हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। वेलकम टू पंकज एरुटेक। दोस्तों, यहाँ पर यूपी टेट रिजल्ट को लेकर दोस्तों यहाँ पर लगातार बच्चे परेशान हैं और कमेंट पे कमेंट और दोस्तों यहाँ पर लगातार मैसेज कर रहे हैं मुझे। तो दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के और नई वैकेंसी को लेकर के एक अपडेट आई है जो कि मैं आपसे साझा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल बने रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट को लेकर मैं बताऊँ आपको कि रिजल्ट आपको जो है आज तो जारी नहीं होगा और ना ही कल जारी होगा, क्योंकि अभी कल परसों दोस्तों आपको पता ही है कि जो है होली है और आपका रिजल्ट दोस्तों होली के बाद ही देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ ज़रूरी बात है कि वैकेंसी कितनी आनी है, वैकेंसी कितनी आ रही है। ऑफिशियल बिल्कुल अखबार में जो न्यूज़ निकली है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सिपाहियों और बेसिक शिक्षकों की भर्ती जल्द आएगी। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि 26,210 सिपाही भर्ती के लिए विज्ञापन मई में और 17,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित। तो दोस्तों, ये तो प्रस्तावित हो चुकी है। अब दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कितनी भर्ती वैकेंसी आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 17,000 से बढ़ा करके 40,000 से 50,000 तक की जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, जो वैकेंसी आने वाली है वो उसे 17,000 से बढ़ा करके 40,000 से 50,000 तक करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, नई सरकार में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि नई सरकार में भर्ती के पदों की संख्या को 17,000 से बढ़ा करके 40,000 से 50,000 तक करी जाए। अगर दोस्तों यहाँ पर अभी भी लोग लगातार अगर वहाँ पर ज्ञापन देंगे और जाकर के मिलेंगे अधिकारियों से, सरकार से, योगी जी से, तो ये गारंटी है कि 50,000 या 55,000 वैकेंसी आ सकती है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रिक्त पद बहुत खाली है अभी। तो यहाँ पर 17,000 की जो बात करी गई थी वो तो फिक्स है, बाकी यहाँ पर और भी पद इसमें जोड़े जाएंगे, जो कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने BTC किया हुआ है, BEd किया हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश में BEd को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर भी बिल्कुल सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या यह निर्णय जो आया है पूरे देश में मान्य होगा या फिर सिर्फ स्टेट लेवल मान्य होगा, वो आगे आपको हम वीडियो में बताते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। नमस्कार।